की तबीयत मजीद से मजीद ख़राब होती जा रही है। रिवायत के मुताबिक अस्पताल भी नहीं ले जा सकते। तो फिर क्या सोचा तुमने? कुछ समझ में नहीं आ रहा। जिंदगी में पहली दफा ज़ेहन मऊफ हो चुका है। सोचता हूँ कि अगर शायद मैं भी पप्पू हजूर की इजाज़त के खिलाफ कैसर की तरह शादी कर लेता तो शायद आज। सूल पसंद इंसान की जिंदगी ज़रा मुश्किल होती है। जब मेरा एक मशवरा है, अगर तुम सुनना चाहो तो। ज़रूर खलीफा नवाज, एक आप ही के मशवरे की बदौलत तो आज तक ये बिना पीर की गद्दी का निज़ाम चलाता आ रहा हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा। मेरा ख्याल है कि अब हमें माजी की रंजिशों को भुला कर एक बार। हरगिज नहीं, मैं कभी ये गद्दी कैसर को नहीं सौंप सकता। मैं कैसर की बात नहीं कर रहा, अब वक्त आ गया है कि पीर शाह आलम की गैर खानदानी औलाद तुम्हारी सौतेली बहनों को कबूल कर लिया जाए। खलीफा नवाज, ये हरगिज मुमकिन नहीं है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ पीर शाह आलम की खानदानी और रवायती जायज बीवी थी। उनकी शहरी बीवी की औलाद का ना कभी पीरापुर से कोई लेना देना था और ना कभी होगा। मैं अपने बाप की धुतकारी हुई अपनी मां की रूह को मजीद जुल्म नहीं दे सकता। सर, मैं मानता हूं कि वो लड़कियां हवेली में पली पड़ी नहीं है, कि तुम खुद सोचो, हमारे पास कोई दूसरा चारा नहीं है। आप चाहते हैं जिस बादशाह बेगम को पीरापुर में रोज चढ़ता सूरज नहीं देख सकता, उस तख्त पर मैं उस लड़की को बिठा दूं जिसको शहर की नापाक हवा छू चुकी है? ये कभी मुमकिन नहीं है, ये मेरे असूलों के खिलाफ है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि उसूल पसंदी इंसान की राह में बड़ी रुकावटें खड़ी करती है। बहरहाल मेरा काम था मशवरा देना, उस पर अमल करना ना करना तुम पर मुनासिब है। तुम जो मुनासिब समझो वो करो।